कि एक एक युवा, एक एक पढ़ने वाला बेटा और बेटी हमारे झारखंड प्रदेश का खतियानी, हमारा टीचर बने, दरोगा बने, वीडियो बने, सीओ बने, डीएसपी बने, डीसी बने, एसपी बने, और हमारे यहां के खतियानों के द्वारा ही ये झारखंड प्रदेश संचालित हो, एक एक प्रखंड और ग्राम और थाना संचालित हो, मंत्रालय संचालित हो, सचिवालय संचालित हो। सिल्ली क्षेत्र में भी 200 पर्व का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस मेले की बातें कुछ अलग है, हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मंच में बैठे हुए जो सम्मानित पूर्व सांसद रामदयाल चौधरी जी हैं, हमारे सिल्ली के पूर्व विधायक केशव महतो कमलेश जी हैं, साथ साथ इस मंच पर विराजमान एक एक प्रतिनिधिगण, एक एक सम्मानित प्रबुद्ध हमारे गार्जियन, आप सभी हमारी इस मौके पर उपस्थित हमारी मां बहने, हमारे युवा साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग और जितने भी मेला प्रेमी हैं, एक एक सम्मानित साथियों को मेरा खतियानी जोहार, खतियानी जोहार। भाई हम ये आपको कहना चाह रहे थे, हम अपनी बात को अधूरी छोड़ गए थे, हम कह रहे थे कि हम सिल्ली क्षेत्र से आते हैं और सिल्ली विधानसभा में सिल्ली सुना तू अंगड़ा राहे, ये चार हमारा प्रखंड है, चारों प्रखंड में टुसू मेला का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज तक हमने कहीं भी इतना बड़ा चोड़ल नहीं देखा। अगर देखने का मौका मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके इसी मेले में। अब तो हमारे मेलों में टुसू की संख्या खत्म हो जा रही है। हम आपको बता दें, इस बार का जो टुसू मेला हमारा था सतीहाट का मेला, मात्र 6-7 टुसू थे और वो भी छोटे छोटे। यहां का जो सबसे छोटा टुसू है, हम समझते हैं कि इतने बड़े बड़े टुसू थे। और आपके जो हरियर मेला है वहां मात्र 2 टुसू, हमारा नीलगिरी मेला वहां मात्र 1 टुसू। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी, परंपरा थी, हम इसका निर्वहन नहीं कर रहे, ये हमारी पहचान है, पारंपरिक हमारा ये मेला है, इससे हम अपनी परंपरा को जीवित रखते हैं, अपने पुरखों की संपत्ति को हम संभाल रहे हुए हैं, तो हमें इसे भूलना नहीं। और आपको तो हम कहेंगे, ये आपका नया साल, ये जो 2023 का है, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए। हमारे जितने भी युवा हैं, आपको हम अपनी शुभकामना देते हैं कि एक एक युवा, एक एक पढ़ने वाला बेटा और बेटी हमारे झारखंड प्रदेश का खतियानी, हमारा टीचर बने, दरोगा बने, वीडियो बने, सीओ बने, डीएसपी बने, डीसी बने, एसपी बने, और हमारे यहां के खतियानों के द्वारा ही ये झारखंड प्रदेश संचालित हो, एक एक प्रखंड और ग्राम और थाना संचालित हो, मंत्रालय संचालित हो, सचिवालय संचालित हो, ये हम शुभकामना देते हैं। आप पढ़ाई बेहतर करो, आप लोगों ने जो हमें दायित्व दिया हुआ है उस दायित्व का निर्वहन हम खुद कर रहे हैं। हमारा दायित्व क्या है, सरकार बेहतर नीति बनाए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तो जितने भी हमारी छोटी बहनें और छोटे भाई जो भी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी की, जेएसएससी की, यूपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जेपीएससी और जेएसएससी जितने भी एग्जाम्स लेते हैं, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, हम आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं और इसी लड़ाई के लिए आपने हमें दायित्व सौंपा है, जिम्मा सौंपा। एक एक लोग के चेहरे में जो आज खुशियां, हमारी बहनों के चेहरे में, हमारे भाइयों के चेहरे में, हमारे युवाओं के चेहरे में, हमारे बुजुर्गों के चेहरे में,
हम चाहते हैं कि ये खुशियां दो गुनी, चार गुनी, दस गुनी, सौ गुनी बढ़ती चली जाए और आपकी जिंदगी में निरंतर खुशियां ही खुशियां आए और आप उन खुशियों को समेट कर अपने घर का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र का विकास करें। आप अपनी बुलंदी को चूमे, अपने मुकाम को चूमे, ये हमारी इच्छा है। ऊपर वाले से हम यही कामना करते हैं, प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं। आप सदैव खुश रहें, सदैव आपका विकास हो। Thank you.